हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं 60 और 70 दशक के फिल्म इंडस्ट्री के महान कलाकार जूनियर महमूद जी का आलीशान घर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा 8 दिसंबर 2023 को जूनियर महमूद जी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। वो कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन वो जिस घर में रहते थे उस घर को हम आपको दिखाने वाले हैं, जहाँ से उनका जनाजा उठा था, जहाँ पे वो सारी भीड़ उनको देखने के लिए पहुँची थी। आपको बता दें, उनके घर पे जितेंद्र कपूर जी, बॉलीवुड के महान हास्य कलाकार जॉनी लीवर जी सहित कई सारे एक्टर पहुँचे हुए थे। तो आखिर उनका घर मुंबई में कहाँ पर है, कैसा है, और उनके घर परिवार में अभी इस टाइम कौन कौन लोग रहते हैं, और उन्होंने अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ रखी है, सब कुछ बताऊँगा। दोस्तों, आपको बता देना, 60 और 70 के दशक में जूनियर महमूद जी उस समय एक फिल्म के लिए ना करीब 3000 रुपये चार्ज भी कर रहे थे, और उन्होंने करीब 260 फिल्मों में काम भी किया है। और उस समय वो मुंबई की क्या भाई, इंडिया की सबसे महंगी कार से सेट पर पहुंचते थे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जूनियर महमूद जी का आलीशान घर और उनके बायोग्राफी वगैरह के बारे में सब कुछ बताएंगे, आखिर अब उनके परिवार में कौन कौन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, फाइनली अभी हम लोग मुंबई के खार वेस्ट इलाके में आ चुके हैं, और ये है खार वेस्ट का रोड नंबर 15, और इसी रोड पर हमारे महमूद जी का आलीशान सा घर है, जहां पर वो रहा करते थे, और अभी भी उनकी पूरी फैमिली इसी घर में रहती है। तो आपको सामने ही एक आलीशान सी बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, ये वाली बिल्डिंग, यही वो बिल्डिंग है जिसमें महमूद जी रहा करते थे, और यहीं से उनका जनाजा भी उठा था। तो आइए हम चलते हैं अब आपको मेन गेट की तरफ लेकर, और वहां से आपको दिखाते हैं। देखिए, ये है मेन चौक और ये है उनका आलीशान सा घर। चलिए अब चलते हैं मेन गेट पर और आपको अच्छे से दिखाते हैं। दोस्तों, आप लोग जो सामने ये 8 मंजिल की आलीशान इमारत देख रहे हैं ना, यही है हमारे जूनियर महमूद जी का आलीशान घर। इनके इस घर का नाम है दारा हाउस। यहाँ पर देखिए, सामने ही लिखा है दारा हाउस, और इसी में ये अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। फिलहाल अब वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका पूरा परिवार इसी घर में रहता है। इसी गेट के रास्ते से उनके जनाजे को निकाला गया था। इस बिल्डिंग में 2 गेट हैं, और काफ़ी आलीशान सी ये इमारत है। बालकनी में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी लगाई गई है, और काफ़ी शांत माहौल है यहाँ का। तो यही वो घर है जिसमें जूनियर महमूद जी रहा करते थे। फिलहाल जूनियर महमूद जी पेट के कैंसर से जूझ रहे थे, और अब इस दुनिया को वो अलविदा कह चुके हैं। दोस्तों, 8 दिसंबर 2023 को रात में 2 बजे उनका निधन हो गया। उन्हें स्टेज 4 कैंसर था। आपको बता दें, जूनियर महमूद जी का असली नाम ना नईम सैयद था। उनका जन्म 15 नवंबर 1956 को मुंबई में ही हुआ था, और वो 67 साल के थे। आसपास का क्या नज़ारा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी हैं। दोस्तों, जूनियर महमूद जी की आखिरी इच्छा थी ना, वो अपने पुराने दोस्त जितेंद्र जी से मिलना चाहते थे। जब ये बात जितेंद्र कपूर जी को पता चली, तो वो उनसे मिलने के लिए इनके घर पर आ पहुँचे, और उन्होंने जब जूनियर महमूद जी की ये हालत देखी ना, तो उनके भी आँखों से आंसू आने लगा। इसी वाले गेट के रास्ते से इनका जनाजा निकला था, आप लोग देख सकते हैं फोटो में, और इनकी पूरी फैमिली यहीं पर खड़ी थी। इनके आखिरी जर्नी में यशपाल शर्मा सहित रजा मुराद, जॉनी लीवर सहित कई सारे बॉलीवुड के एक्टर्स पहुंचे थे, और इसी गेट के अंदर ये लोग बैठे हुए थे। ये सारी फोटो इसी गेट के बगल की ही है, जहाँ पर जूनियर महमूद जी के बेटे जॉनी लीवर जी से गले लगकर रोने लगे थे। दोस्तों, जब जितेंद्र कपूर जी इनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने बताया था कि वो उन्हें पहचान नहीं सके, यह दिल तोड़ने वाला था। परिवार ने बताया कि बीमारी के कारण जूनियर महमूद जी का वजन न 36 किलो कम हो गया था। वह बहुत दर्द में जी रहे थे। वहां उनके साथ पत्नी और बच्चे भी थे। यह सब देख कर जितेंद्र कपूर जी का दिल पसीज गया, और वो भावुक होकर रोने लगे। जितेंद्र कपूर और जूनियर महमूद ने नासिर हुसैन की फिल्म कारवा में साथ काम किया था। तब सेट पर आशा पारेख और जितेंद्र के साथ जूनियर ने खूब समय बिताया था, और यहीं से दोस्ती इनकी गहरी हो गई थी। जूनियर महमूद जी एक एक्टर होने के साथ ही सिंगर भी थे। उन्होंने हिंदी के साथ ही मराठी फिल्मों में भी काम किया था। साल 1967 में जूनियर महमूद ने नौनिहाल फिल्म से
बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम बिल्लू था। साल 1971 में आई हाथी मेरे साथी में जूनियर महमूद ने छोटे का किरदार निभाया। राजेश खन्ना की इस सुपरहिट फिल्म से वह सबकी नजरों में छा गए। साल 2012 में वह टीवी सीरियल प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा में भी नजर आए थे। अपने करियर में जूनियर महमूद ने करीब 260 से अधिक फिल्मों में काम किया है। इनमें से 1967 में रिलीज ब्रह्मचारी, 1970 में रिलीज मेरा नाम जोकर, 1977 में आई परवरिश और 1980 में रिलीज दो और दो पाँच ऐसी फिल्में थी जिनमें उन्हें काफ़ी पॉपुलरिटी मिली। जूनियर महमूद महज 9 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम कर रहे थे। जूनियर महमूद जी के बड़े भाई फोटोग्राफर थे। वह फिल्मों के सेट पर फोटोग्राफी किया करते थे। आपको बता दें 70 के दशक में जूनियर महमूद एक बाल कलाकार के तौर पर अपने करियर के शिखर पे थे। उनकी पॉपुलरिटी और कमाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तब उन्होंने विदेश से अपने लिए एक कार इंपोर्ट करवाई थी। तब मुंबई में उनको मिलाकर सिर्फ 12 लोग थे जिनके पास वो कार मौजूद थी। जूनियर महमूद शुरुआती दौर में छोटे मोटे रोल किया करते थे और उनकी फीस न 5 रुपए से शुरू हुई थी और करियर के शीर्ष पर वह सबसे महंगे चाइल्ड स्टार बन गए थे। वह एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपए लेते थे। अगर जूनियर महमूद जी के परिवार की बात करें तो इनके पिता एक इंजन ड्राइवर थे जो कि इंडियन रेलवे में काम करते थे। इनकी 2 बहन और 3 भाई हैं। जूनियर महमूद की पत्नी का नाम लता है और इनके 2 बच्चे हैं। फिलहाल जूनियर महमूद की पत्नी लता और इनके दोनों बच्चे इसी घर में रहते हैं। जूनियर महमूद जी के दोनों बेटे भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एक राइटर है तो दूसरा डायरेक्टर है। जूनियर महमूद जी ने अपने जीवन काल में कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किए थे। साल 2012 में जूनियर महमूद जी ने टीवी पर प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा से अपना टीवी करियर की शुरुआत की थी जो कि स्टार प्लस पर टेलीकास्ट किया जाता था। इस टीवी सीरियल में महमूद जी ने सैंकी का रोल किया था। इसके बाद उन्होंने साल 2016 में हिंदी ड्रामा टीवी सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का में काम किया जिसमें उनको मंसूर का रोल मिला था। आपको बता दें कि जूनियर महमूद जी का असली नाम नईम सैयद था। आखिर उनका नाम जूनियर महमूद कैसे पड़ा तो आपको बता दें यह घटना 80 के दशक की है जब नईम सैयद यानी कि जूनियर महमूद जी एक बाल कलाकार की भूमिका निभा रहे थे। फिल्म सुहागरात की शूटिंग के दौरान महमूद अली ने नईम सैयद यानी कि जूनियर महमूद जी का नाम रखा। तब से लेकर आज तक हम सभी लोग इन्हें इसी नाम से जानते हैं। यही है जूनियर महमूद जी की पत्नी जो मुंह पे दुपट्टा डाल के रखी हुई है। जूनियर महमूद जी ने अपने बाल कलाकार में सभी लोगों को खूब हंसाया भी है। तो इसी दारा हाउस वाली बिल्डिंग में जूनियर महमूद जी रहा करते थे। फिलहाल अब वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी पत्नी और उनके दोनों बेटे और उनकी बहू और उनके पोते इसी बिल्डिंग में रहते हैं जो मुंबई के खार वेस्ट रोड नंबर 15 पर स्थित है जिसका नाम है दारा हाउस। और इसी गेट के रास्ते से उनका जनाजा भी निकला था जहां पर वो क्राउड इकट्ठा थी यहीं पर इकट्ठा थी। तो यही है हमारे जूनियर महमूद जी का आलीशान घर और काफ़ी ज़्यादा संपत्ति वो अपने बेटों के लिए अपने पीछे छोड़ गए हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग देख सकते हैं इस आलीशान सी बिल्डिंग में जहाँ पर हमारे इतने महान अभिनेता रहा करते थे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जूनियर महमूद जी का घर दिखा दिया है कि वो मुंबई में कहाँ पर रहा करते थे और उन्होंने आखिरी सांस किस घर में ली है। आप सभी को मैंने बताया कि 8 दिसंबर 2023 को उनकी डेथ हुई है और वहाँ पर सारे एक्टर गए हुए थे जैसे कि राजा मुराद जी, अली खान जी, जितेंद्र कपूर जी, जॉनी लीवर जी। और आप सभी को मैंने उनकी बायोग्राफी वगैरह के बारे में भी बता दिया है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी गाइस मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।